तो आज पंजाब हरियाणा और कई राज्यों में पूरे देश भर में आज हमें यहाँ लोहड़ी घर से दूर मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें अफसोस नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लोहड़ी के इस आग में भी हमने वही जो काले कानून है किसान विरोधी वही जलाए हैं, इसलिए हमें यहाँ इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने के लिए आए हैं। उसके लिए हम डटे रहेंगे, जितना समय भी लगेगा उस हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे हमें यहाँ पर बैसाखी भी मनानी पड़ जाए। हाँ जी, जी आपां अज काली लोहड़ी मनाई है, ये साडे जिहड़ी जथेबंदियां वल्लों एक अपील सीगी वी जिहड़ी असीं इह लोहड़ी इक काली लोहड़ी मनानी है, क्योंकि जिहड़ा किसान है वह अपना घर बार सारा कुछ छड्ड के सड़कां ते असीं बैठे हाँ अपने हक लैण वास्ते, क्योंकि साडा राइट है ते हक लैणा कोई गुनाह नहीं हैगा। मोदी नूं हजे तक इह जणी इक गल जिहड़ी साडी हजां इह स्पष्ट नहीं हो रही, इस करके जिहड़ी असीं इह काली अपना लोहड़ी मनाई है। साडी जो भी चीज़ है ना साडी जमीन दे नाल ही, जट दी जमीन जे सियाणियां दे जट दी जमीन, जे जमीन है तो अही जट हाँ किसान, जे नहीं तो अही बिल्कुल कोई शय नहीं है। जिहड़ा मोदी दे दिल दे विच इह शंका कढ देवे भी इत्थों चले जाणगे, ना ही इत्थों वापस जाइए, जिन्ना चिर साडा मोर्चा फतेह नहीं हुंदा। ये जो कमेटी बनाई है ना सरकार ने, ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये उन्हीं लोगों की कमेटी है जो लोग पहले भी हमारे आंदोलन को ये बोलते थे कि ये किसान नहीं है, किसान हम हैं, और ये वो लोग हैं कमेटी वाले, इसलिए हम ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। ये कमेटी के पास हम ना जाने जाएंगे, ना हमें इस कमेटी से कोई उम्मीद है। साड़ी उधर पिंडां दे विच पूरी तैयारी है, लगभग नहीं तो साड़ी हज़ार के करीब साड़ी जी ट्राली है उधरों आनी है श्री आनंदपुर साहब तो। असी लोगों बहुत लाहेबंद किया इस करके, क्योंकि जी 26 तरीक की उत्थे परेड है वो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके दे नाल जिमें अपने साड़ी जथेबंदियों का हुक्म होना है, असी उन्हां दे हिसाब नाल चलना है, तो उन्हां दे नाल ही आपां जी अगवाई साड़ी जथेबंदी कर रही है, उन्हां दे नाल ही आपां जो भी करना उन्हां दे नाल ही करना है। किसान के लिए मोदी के पास उसकी बात सुनने के लिए कोई समय नहीं है। जो किसान नहीं मांग रहा वो किसान के ऊपर थोप रहा है, जो किसान मांग रहा था उससे ये भाग गया। इसने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, जिससे कि किसान की आय थी जो डबल दुगनी हो सकती थी, जिससे किसान खुशहाल हो सकता था। इसने अपने चोन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं सबसे पहले आके किसान के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करूँगा और पूरे हर किसान का कर्जा पहले बैठते ही माफ करूंगा, लेकिन ये वो बातों से भाग गया जो हमने नहीं मांगा था, जिसकी हमें नहीं जरूरत थी। बड़े घराणे वास्ते कर रहे हैं जो कर रहे हैं, एक जिमीदार वास्ते बिल्कुल जिमीदार दे उल्टो आ जिहड़ा कानून आ, असी अज इस करके जलाए ने बे सानू ये फिट नहीं है, सानू ये कानून नहीं चाहिए, इन वापस होने चाहिए है।